हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और ये है पर्पल की नेल पॉलिश। तो आज मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसी है ये नेल पॉलिश या इसके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना ना भूलें इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की ग्लास फ्रॉस्टेड बॉटल में है, मतलब कि ये मैट बॉटल है जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है, और पैकेजिंग से ही आपको कलर का भी अंदाजा हो गया होगा, मतलब कि एग्जैक्ट शेड भी आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, तो मैं नीच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दूंगी, तो मेक श्योर उसे चेक जरूर कर लें। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 9 ml की, और इसमें कई सारे शेड भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये नेल पॉलिश जो है वो क्रीमी या क्रीम फिनिश और मैट फिनिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं या कोई सी भी नेल पॉलिश बाई कर सकती हैं। फिलहाल मेरी जो नेल पॉलिश है वो है मैट नेल पॉलिश, और मैं अभी आप मेरे नेल्स पे इसका शेड देख सकते हैं, मैंने अपने नेल्स पे अभी यही अप्लाई किया हुआ है। तो ये एक मैट नेल पॉलिश है और इसे अप्लाई किए हुए आज तीसरा दिन है, मतलब कि मैंने इसे 3 दिन पहले अप्लाई किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि ये नेल पॉलिश जैसी मैंने अप्लाई की थी एग्जैक्ट वैसी ही है। सिर्फ ये अंगूठे से हल्का सा यहाँ सफेद हुई है, बाकी ये पूरी नेल पॉलिश वैसे ही है। और एक बात बता दूं कि मैं इसलिए भी इसे आज वीडियो बना रही हूँ 3 दिन बाद, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि इसकी स्टेइंग पावर कैसी है। इसकी जो पिक्चर्स हैं मैं इंसर्ट कर दूंगी कि ये नेल पॉलिश कितने दिनों तक नेल्स पे टिकी रहती है एग्जैक्ट सेम तरीके से। और ये भी नहीं है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तो इसलिए भी आप देख सकते हैं कि नेल पॉलिश कितने अच्छे से स्टे कर गई। एक प्रॉब्लम है, अगर आप चाहती हैं कि इस नेल पॉलिश का एग्जैक्ट शेड या एग्जैक्ट कलर आपके नेल्स पे आए, तो इसके कम से कम 2 कोट आपको अपने नेल्स पे अप्लाई करने होंगे। पहला कोट आप अप्लाई करिए, उसके बाद उसे कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए, जब तक वो नेल पॉलिश सूख ना जाए तब तक आप दूसरा कोट अप्लाई मत करिएगा। अदरवाइज अगर आपने दूसरा कोट उसी पे अप्लाई कर लिया तो आपकी जो नेल पॉलिश है वो मिक्स हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। इसलिए पहले एक कोट आप अप्लाई करिए, जब वो फर्स्ट कोट जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद उसका सेकेंड कोट आप अप्लाई कर सकती हैं, जो कि आपके नेल्स को अच्छे से कवर कर लेगा और आपको एग्जैक्ट कलर मिलेगा। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं मैट नेल पॉलिश की बहुत बड़ी फैन नहीं हूं, मुझे जो शाइनी नेल्स होते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिलहाल ये शेड भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डार्क शेड है। अगर आपके स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी व्हाइटिश टू फेयर है या मीडियम है तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपका जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा डल होगा तो मे भी आपके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख लीजिएगा कि आपको इसे अप्लाई करना है या नहीं। फिलहाल मैंने इसके बारे में सभी बातें आपको बता दी हैं कि नेल पॉलिश काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी प्राइसी है, इससे कम प्राइस में आपको और भी नेल पॉलिश मिल जाएंगी, मैट नेल पॉलिश आप चाहें तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकती हैं। बट किसी किसी को ऐसा होता है कि जिन्हें भले महंगी हो लेकिन अलग अलग नेल पॉलिश ट्राई करना पसंद होता है, तो मेरा काम था मैंने आपको बता दिया नेल पॉलिश काफ़ी अच्छी है। पिक्चर्स मैं बीच बीच में इंसर्ट कर दूंगी कि ये नेल पॉलिश कितने दिन बाद फेड हुई या रिमूव हुई या चिप हुई, जो भी है मैं इंसर्ट कर दूंगी, जिससे आप एग्जैक्ट देख सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हो मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।